एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में जगिया, उसकी पत्नी लता और उनके दो बच्चे रहते हैं। जगिया के पास पैसे नहीं थे, इसलिए खेत की जमीन जमींदार के पास गिरवी रख कर उससे पैसे ले रखे थे, जिससे उसने अपने खेतों में फसल उगाई थी। जगिया ने खेतों में दिन रात मेहनत की, जिससे कि उसकी काफी अच्छी फसल हुई थी। आधी रात को खिड़की के खड़खड़ाने की आवाज आने लगती है और बड़ा ही भयंकर तूफान आ रहा होता है। जगिया जल्दी से लता को उठाता है। लता, लता जल्दी उठो, बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा है। तूफान? हे भगवान, इस मौसम में ये तूफान कैसे आ गया? तूफान और ज्यादा तेज होने लगता है, पर जगिया को बस अपने खेतों की चिंता होती है। वो अपने खेतों को देखने जाने लगता है। लता उसे बहुत रोकती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। जैसे तैसे बारिश तूफान से होता हुआ खेतों में पहुंच जाता है और खेतों की हालत देखकर वो वहीं जमीन पर सर पकड़कर बैठ जाता है। सारी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। मेरे खेत, मेरी फसल, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं इतना कर्जा लेकर खेती कर रहा था, अब मैं क्या करूँगा? मेरे परिवार का क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो गया। जगिया वहीं बैठे बैठे रोता रहता है। बारिश इतनी तेज होती है कि कुछ ही देर में गांव में पानी भरने लगता है। खेतों में भी पानी पूरा ऊपर तक भर जाता है, पर जगिया अपने खेतों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। जब काफी देर तक जगिया घर वापस नहीं लौटता, तो लता बहुत परेशान होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि बच्चों को घर में अकेले छोड़कर वो जगिया को कैसे ढूंढने जाए। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है और लता दरवाजे पर खड़ी खड़ी जगिया का इंतजार ही करती रहती है। सुबह जैसे ही तूफान और बारिश रुकती है, तो लता अपने दोनों बच्चों को पड़ोस में अपनी सहेली बिमला को देकर जगिया को ढूंढने जाती है। जैसे ही वो खेतों में पहुंचती है, तो वहां जगिया कीचड़ में मुंह के बल पड़ा होता है। लता उसके पास भागते हुए जाती है। अजी क्या हो गया, आप मुझे सुन रहे हो ना? लता जगिया को उठाने की बहुत कोशिश करती है, पर जगिया नहीं उठता। जब लता की आवाज सुनकर वहां कुछ लोग आते हैं और जगिया को उठाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जगिया तो मर चुका है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसका पति मर चुका होता है, उसके खेत बर्बाद हो चुके होते हैं और ऊपर से जमींदार। जैसे ही जमींदार को पता चलता है कि जगिया मर गया, वो उधार दिए हुए पैसे वापस लेने आ जाता है। जगिया ने बोला था कि वो इस महीने सारा उधार चुका देगा, अब वो तो रहा नहीं, इसलिए तुमको ही सारे पैसे देने होंगे। मैं कहाँ से आपको पैसे दूंगी जमींदार जी? जो थोड़े बहुत पैसे हैं, वो भी अगर आपको दे दिए तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। देखो, मुझे अपने पैसे चाहिए बस, वरना जो खेत की जमीन जगिया ने मेरे पास गिरवी रखवाई है वो मेरी हो जाएगी, हैं? समझ रही हो? नहीं नहीं जमींदार जी, मुझे बस कुछ महीने की मोहलत दे दो, मैं खुद खेतों में काम करूंगी और इस बार जो फसल उगेगी उससे आपका सारा कर्ज उतार दूंगी। तुम और खेती, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ तुम कैसे खेती कर सकती हो, है? आप बस मुझे मौका तो दे, मैं पूरी ईमानदारी से ब्याज समेत आपके पैसे दे दूंगी, आप मुझ पर भरोसा करें। जमींदार वहाँ से चला जाता है। लता जमींदार को बोल तो देती है कि वो सारा कर्ज उतार देगी, पर उसके लिए ये बड़ा ही मुश्किल होता है। वो फिर भी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी खेत वाली जमीन पर जाती है। बारिश के कारण जमीन की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। मुझे तो ट्रैक्टर चलाना ही नहीं आता, तो मैं इतना बड़ा खेत अकेले कैसे जोतूंगी? लगता है मुझे हल से ही इसे जोतना पड़ेगा। पता नहीं मैं कैसे सब अकेले कर पाऊंगी। आज मैं सारी सफाई कर देती हूँ, फिर कल से खेतों की जुताई शुरू कर दूंगी। शाम होने पर लता घर वापस चली जाती है। आधी रात को खेतों में कुछ हलचल सी होने लगती है, जैसे वहाँ कोई हो। उसके बाद ट्रैक्टर की लाइट चलती है और ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है। उस ट्रैक्टर पर एक भूत बैठा होता है जो उसको स्टार्ट करता है और पूरे खेत में उससे जुताई करने लगता है। मैं ये सारा खेत जोत दूंगा, इस खेत पर सबसे अच्छी फसल उगेगी और वो मैं उगाऊंगा।
पूरी रात वो भूत उस ट्रैक्टर को चलाकर खेत जोतने का काम करता है। फिर जैसे ही सुबह होने का समय होने लगता है, वो भूत उस ट्रैक्टर को उसी जगह वापस खड़ा कर देता है और वहां से गायब हो जाता है। सुबह होने पर जब लता अपने दोनों बच्चों को लेकर जमीन जोतने आती है तो हैरान ही रह जाती है। अरे, ये आधी जमीन किसने जोत दी? मैं तो खुद शाम के वक्त यहाँ से गई थी। मतलब रात को किसी ने इसे जोता है, पर आखिर किसने? कौन हो सकता है जो मेरी मदद कर सकता है? खैर, जो भी है, भगवान उसका भला करे। उसने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं एक काम करती हूँ, इसी पर ही बीज बोना शुरू कर देती हूँ। वैसे भी मेरे पास इतने बीज भी नहीं है। लता फिर आधी जुती हुई जमीन में बीज बोना शुरू कर देती है। बीच बीच में वो अपने बच्चों का भी ध्यान रखती है और फिर वापस बीज बोने लगती है। उसके पास इतने बीज भी नहीं होते कि आधी जुती हुई जमीन के लिए भी पूरे पड़ सके। जैसे ही उसके बीज खत्म हो जाते हैं, वो अपने बच्चों को लेकर वापस घर आने लगती है। आते वक्त लता की नजर वहां खड़े जगिया के ट्रैक्टर पर पड़ती है। ट्रैक्टर के टायरों पर खेतों की मिट्टी लगी होती है। ये मिट्टी तो ताजी है, जबकि कल जब मैं सुबह आई थी तब ये ट्रैक्टर ऐसा नहीं था। लगता है इसी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके इस खेत को जोता गया है। पर इसकी चाबी तो मेरे पास थी, तो फिर बिना चाबी के कैसे चालू हो सकता है? लता बच्चों को लेकर घर चली जाती है। फिर से आधी रात को एक भूत आकर उस ट्रैक्टर को चालू करता है और बाकी का बचा हुआ आधा खेत भी जोत देता है। अब मुझे इसमें बीज बोने होंगे, पर यहाँ तो कोई बीज ही नहीं है। कोई नहीं, मैं अभी अपने जादू से बीज लाता हूँ। भूत जादू से ढेर सारे बीज ले आता है और पूरे खेत में बो देता है। उसके बाद वो फिर से उस ट्रैक्टर को अपनी जगह खड़ा कर देता है और गायब हो जाता है। अगले दिन जब लता फिर से आती है तो फिर से हैरान होती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर कौन है जो उसकी इतनी मदद कर रहा है। मेरा सारा काम तो कोई और ही करके चला जाता है, पर पता नहीं कौन है वो भला आदमी। पर अब मैं अपने खेतों में पानी कैसे दूं? दूसरे खेत से लेकर देते थे, अब मुझे कौन मुफ्त में पानी देगा? हे भगवान, अब तो कोई चमत्कार कर। उसी रात फिर से वो भूत वापस आता है और साथ वाले खेत से पाइप अपने ट्रैक्टर में जोड़कर पूरे खेत में पानी देने लगता है। अगली सुबह जब लता आकर देखती है कि पूरे खेत में किसी ने पानी दे दिया है, तो उसकी सारी चिंता ही दूर हो जाती है। अब तो बस वो फसल उगने का इंतजार करती है, पर साथ ही साथ उसे ये बात भी सता रही होती है कि कौन उसकी इतनी मदद कर रहा है। वो रात को अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर भी खेतों में ये देखने नहीं आ सकती थी। ऐसे ही काफी महीने निकल जाते हैं और लता के खेतों में फसल लहराने लगती है। लता अपनी फसल को देखकर बड़ी खुश होती है। इतनी अच्छी फसल के तो बड़े अच्छे दाम मिलेंगे, फिर मैं सारा कर्ज भी उतार दूंगी और हमारे हालात भी सुधर जाएंगे। अब कल आकर मैं इस फसल को काटना शुरू कर दूंगी। लता अगले दिन फसल काटने के बारे में सोचती है, पर उससे पहले उसी रात वो भूत वापस आता है और ट्रैक्टर पर बैठकर उसे चालू कर देता है। उसके बाद वो सारी फसल एक ही रात में काटकर सारा अनाज बोरों में भर देता है और सारे बोरे ट्रैक्टर में भरकर लता के घर के बाहर रखने चल देता है। उस रात लता सोई नहीं होती। ट्रैक्टर की आवाज सुनकर वो चुपके से खिड़की पर जाकर देखती है तो उसे एक भूत ट्रैक्टर पर बैठा हुआ उसके घर के सामने दिखता है। हे भगवान, भूत, ये भूत यहाँ मेरे घर के सामने क्या कर रहा है? मैं क्या करूं? कहीं ये मुझे और मेरे बच्चों को मार न डाले। लता चुपके से वहां खड़ी देखती रहती है। वो भूत ट्रैक्टर से सारे अनाज के बोरे उतार उतार कर लता के घर के आंगन में रखने लगता है। अब मैं समझ गई, जो रोज रात को ट्रैक्टर चलाकर खेतों में काम करता था वो कोई और नहीं बल्कि यही भूत था। पर कोई भूत किसी की मदद कैसे कर सकता है और मेरी मदद क्यों? मुझे अभी इस भूत का सामना करना होगा और सच जानना होगा। लता हिम्मत करके बाहर जाती है और भूत के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तुम ही हो ना जिसने मेरे खेतों में मेरी मदद की? बताओ कौन हो तुम और तुम क्यों मेरी मदद कर रहे हो? आखिर मेरी ही मदद क्यों? बताओ। जाओ यहाँ से और इस अनाज को बेचकर अपनी सारी परेशानी दूर करो। नहीं, पहले मुझे सब सच सच बताओ, वरना मैं ये अनाज नहीं रखूंगी। मैं जगिया हूँ, तुम्हारा पति। मैं तुम्हारी मदद कर रहा था क्योंकि मरने के बाद भी तुमको और अपने बच्चों को ऐसी तकलीफ में नहीं देख पा रहा था। लता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जगिया का भूत वहां से चला जाता है और अगले दिन लता सारा अनाज बेचकर जमींदार का कर्जा उतार देती है। जमींदार उसकी ईमानदारी से बड़ा खुश होता है और उसके खेतों को किराए पर लेकर उसे हर महीने अच्छे पैसे देने लगता है, जिससे लता और उसके बच्चे अच्छे से रहने लगते हैं।